सोशल मीडिया भी ना एक बहुत मतलब ऐसा वाला चीज है जो जहां पर बड़ी सारी कमेंट्स आते हैं, वो आप पढ़ते हो कभी कभी? डू दे, व्हाट डू दे डू टू यू? आई थिंक यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट दैट आई हैव जस्ट कम्युनिकेटेड. लाइक आई रिमेंबर आई one of the things that got a lot of response for me, which was very personal connect, when I opened up about a skin condition of mine. It, what is this? I'm not aware of. So this is keratosis pilaris. Okay. And this is a condition where, you know, there's small eruptions that are there on your skin. Okay. Since a teenager. Do they irritate you? Like खुजली होती है मतलब? It depends. अगर बहुत irritated हो या बहुत गर्मी हो या बहुत आपने कुछ ऐसा कपड़ा पहना है which is not you know, which is creating sensitivity or something, so it can become like a little more prominent, a little more bigger, a little more redder. But that's a very good thing to talk about it. So I opened up because why I think the connect came because जब आप इस industry में हैं, आप एक्टर भी हैं, आपके ब्रांड्स भी हैं, बहुत सारी चीजें आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब दिखें एज एन एक्टर तो बिल्कुल परफेक्ट हो, यू नो, आप में कोई किसी तरह का कोई क्योंकि ऐसा नहीं होता है. वी आर एज ह्यूमन एज एनीवन एल्स, वी आर एज वल्नरेबल एज एनीवन एल्स. इमोशंस गिन चुन के वही पांच छह होते हैं और गिन चुन के वही हम सब में हैं. और वो शूट मेरा था, फोटो शूट, तो मुझे लगा अब मुझे लगता है मैं अपनी बात कह सकती हूँ. बिकॉज आई एम नॉट, दिस इज नॉट फॉर एनीवन, दिस इज फॉर मी. आई वांट टू पुट आउट, आई डोंट वांट टू एयरब्रश माय पिक्चर्स, आई डोंट वांट टू पुट एनी फिल्टर, नथिंग, इट जस्ट हैज टू बी द वे इट इज. तो अगर हल्का सा कुछ अंडर आई में दिख रहा है, इट्स फाइन, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज नेचुरली. देखो भाई, देखो, सोशल मीडिया से non-stop protection के लिए आपको मतलब there is no barrier that you're putting, it's just being real. But then एक बहुत सारी अच्छी बातें भी, I think social media में आज के time में अगर मैं film अपनी अगली promote कर रही हूँ या बात कर रही हूँ, social media is such an important tool. Correct. आज के time में अगर आप कोई ऐसी बात बोलना चाहते हैं जो आपको लगता है that आपको बोलनी ही बोलनी है, और कोई जरिया नहीं है, but it's better to talk straight to the people, आपके पास social media, आप share कर सकते हैं. ऐसे कुछ moments आए हैं life में जहाँ मुझे लगा है कि हाँ मुझे डायरेक्टली बात करनी है, मुझे किसी सोर्स के थ्रू नहीं जाना है, तो एंड पीपल अंडरस्टैंड दैट इमोशन. स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया एंड इन द बिगिनिंग वी टॉकिंग अबाउट, बट एक सेकंड ना, कोई सीलिंग की कहानी है? सीलिंग की कहानी, आई थिंक यही सारी कहानियां कि जब तक जब नया नया बना था, आपको स्टोरियां बनानी होती है, आपको फोटो लेनी होती है, तब तक जा चुका होता है सीलिंग. सर्टेन आपको यू नो स्पीड लिमिट मेंटेन करनी होती है, तब तक जा चुका होता है. गया मैडम, गया, खत्म. सही बात है, पत्थर आ गए. नहीं, अब हम यूटर्न लेके वापस आ जाएंगे, आपको फिर स्टोरी बनानी है, बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. तो बट मतलब दिस वाज जब पहली बार सीलिंग से आ रहे मेंबर, वाज लाइक वो, लाइक आर यू सीरियस, पहुंच गए. दिस इज इट. आई मीन दिस इज अमेजिंग. एंड इवन दो आई हैव नो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और एनीथिंग, बट whenever I see such structures, yeah, I'm so intrigued to see ki matlab kaise banaya hoga. It's just still amazes me even in this world of technology and science and everything. And I still feel like wow, ye building ye wali nahi, but वैसे कहीं पे ये building कैसे बनी होगी? हाँ, नहीं, सही बात है. ये structure कैसे बना होगा?